सो so, इस फर्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर वन इंडिया साइज एंड लोकेशन सोशल साइंस कंटेम्प्ररी इंडिया वन टेक्स्ट बुक इन जियोग्राफी फॉर क्लास नाइन्थ ये बुक से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जो स्ट्रेटजी है अगेन वो सेम है हम एग्जॉस्टिव स्टडी करेंगे कवर टू कवर वर्ड बाय वर्ड ऑल राइट सो दिस इज़ द बुक नंबर वन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास नाइन्थ की बुक है एंड जियोग्राफी सो दीज आर द चैप्टर्स द फर्स्ट चैप्टर वुड भी इंडिया साइज एंड लोकेशन हम इसके बारे में जानेंगे इंडिया के साइज़ इंडिया के कॉर्डिनेट्स इंडिया की लोकेशन इंडिया के नंबर ऑफ स्टेट्स एट्सेट्रा दैन चैप्टर नंबर टू जो होगा वह होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया थर्ड चैप्टर है ड्रेनेज मतलब रिवर्स एंड ऑल फोर्थ चैप्टर होगा अबाउट क्लाइमेट एंड फिफ्थ चैप्टर होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड दिक्कथ चैप्टर वुड बी पॉप्यूलेशन

इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड मीन्स बहुत सारे इसने सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस किए हैं ड्यूरिंग द लास्ट फाइव डेकेड इट हैज मूव्ड ये मूव हुआ है फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर खेती इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाउ इंडिया का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में बिकॉज इंडिया जो एक कंट्री है ना सिंस द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशन और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी देन आर्यंस देन डिफरेंट जो इंडिया की प्रोग्रेसिव और कॉन्टीन्यूड हिस्ट्री रही है इट इज़ रिमार्केबल ये रिमार्केबल है वर्ल्ड में सो दैट इज़ वाई हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है हमारी जोग्राफी भी काफ़ी ब्लेस्ड है सो so इस चैप्टर में हम इंडिया के जोग्राफी के बारे में देखते हैं कि इंडिया के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं लोकेशन क्या है यहाँ लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या है क्या इसके रिलीफ हैं डिफरेंट फीचर्स क्या है विल गेट टू नो ये क्लास नाइन्थ की बुक है अगेन हम स्टेप बाई स्टेप बढ़ेंगे बेसिक्स कवर करेंगे और इस बुक का जो कॉन्टेक्सट है सब्जेक्ट है स्कोप है हम ट्राई करेंगे इस चैप्टर में उसको ही हम फॉलो करें ऑल राइट सो लेटस टॉक अबाउट लोकेशन लोकेशन मतलब इंडिया कहाँ पर है सी इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया जो है ना ये पूरा नॉर्दर्न हेमिसफेयर में है नॉर्दर्न हेमिसफेयर मतलब ये जो वर्ड होता है सी ये वर्ड हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है दिस इज़ द इक्वेटर ये जो ज़ीरो डिग्री है इसको बोलते हैं इक्वेटर तो जो ऊपर है वो नॉर्थ हो गया नीचे है वो साउथ हो गया तो अब देखिए आप इंडिया इंडिया देखिए ये अगर इक्वेटर लाइन जा रही है तो इंडिया कहाँ पे हुआ नॉर्थ में हुआ सो दैट इज़ वाई इंडिया कंप्लीटली नर्दर्न हेमस्फेयर में है. अब यहाँ क्या लिखा है लैटिट्यूड क्या है इसके एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ टू थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ मतलब कि ये आठ डिग्री चार मिनट नॉर्थ नॉर्थ है ये और ये यहाँ से ऐसे सैंतीस डिग्री तक जा रहा है एट डिग्री टू तो सैंतीस डिग्री तो ये जो पूरी लाइंस होती है ना इनको बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो डिग्री है तो ये ऐसे लेटे हुए हैं सो दीज आर कॉल्ड लेटिट्यूड तो ये ज़ीरो डिग्री है ज़ीरो डिग्री से नाइन्टी डिग्री नॉर्थ है जीरो डिग्री से नाइन्टी डिग्री साउथ है सो दिस इज़ द लैटीट्यूड अब इंडिया का लैटिट्यूड है ये एट डिग्री फोर मिनट से थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट एंटायरली इन नॉर्थ ऑल राइट देन अब ईस्ट टू तो वेस्ट देखते हैं ईस्ट टू तो वेस्ट इंडिया के लॉन्जीट्यूड होते हैं मीन्स ये हमने ज़ीरो डिग्री एक लाइन बना दिया है ना ये जीरो डिग्री लाइन को हमने लॉन्जीट्यूड है ये इसको जीरो डिग्री हमने माना अब इसके इस तरफ इसके इस तरफ हमने ईस्ट माना और वो ऐसे करके लॉन्जीट्यूड इंक्रीज़ हो रहे हैं 30, 60, 120, 150, 180 180 एट्टी वन इसके जस्ट पीछे आ जाएगा और वेस्ट में भी ऐसे ही इंक्रीज़ हो रहे हैं और 180 एट्टी डिग्री वेस्ट अगेन इस जीरो डिग्री के जस्ट पीछे आ जाएगा सो दिस इज़ हाउ ये पूरा जो वर्ल्ड है ग्लोब है ये हमने लॉन्जीट्यूड्स और लैटीट्यूड्स में ऐसे डिवाइड कर रखा है और किसी भी पोजीशन को फाइंड करना होता है तो उसका लेटिट्यूड और लॉन्जीट्यूड हम बता देते हैं तो वो उसके कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स सो so, इंडिया का जो लॉन्जीट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देखिए ये जीरो डिग्री है है ना ये जीरो डिग्री के ईस्ट में इंडिया है ये इक्वेटर है इसके नॉर्थ में इंडिया है तो इंडिया के लेटीट्यूड लॉन्जीट्यूड में नॉर्थ आएगा लेटिट्यूड्स में लॉन्जीट्यूड में आएगा ईस्ट सो इंडिया के क्या हुए ये 68 डिग्री अगेन जीरो यहाँ से था तो हम इधर ऐसे बढ़ रहे हैं सी ये 60 डिग्री वाली लाइन है ये 67 डिग्री वाली लाइन है सो दिस इज 68 डिग्री सेवन मिनट ईस्ट यहाँ गुजरात में आ जाएगा और यहाँ दूर तक जा रहे हैं तो सी अराउंड नाइन्टी वाली लाइन आ रही है सो दिस इज नाइन्टी डिग्री टू मिनट ईस्ट सो वॉट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अवर कंट्री दिस इज एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ से लेके सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट ईस्ट से नाइन्टी सेवन डिग्री टू फाइव मिनट ईस्ट नाउ एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सी ये तो था हमारा इक्वेटर अब ये जो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ है और ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ है यहाँ पे भी हमने दो ऐसी लाइन ड्रॉ कर रखी है जस्ट लाइक इक्वेटर तो जो नॉर्थ वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो साउथ वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन तो जो इंडिया है सी इंडिया में ये तीस डिग्री था ये पंद्रह डिग्री था तो ट्वेंटी एट थ्री एंड हाफ डिग्री करीब ये हुआ तो ये जो लाइन है ये ऐसे करके ये ऐसे करके क्रॉस हो रही है यहाँ पे सो so, इंडिया से जो ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर है ये ट्वेंटी थ्री डिग्री नॉर्थ थर्टी डिग्री ये पास हो रही है यहाँ पे डिवाइड द कंट्री इंटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट तो ये ऐसे पास होती है यहाँ ऐसे इस टाइप से ये नंबर ऑफ स्टेट्स जहां से पास हो रही है ये हम आगे देखेंगे ये किस किस स्टेट से ऐसे पास हो रही है तो ये एग्जैक्टली exactly एक और दो ऐसे लगभग लगभग दो पार्ट में इंडिया को डिवाइड कर रही है अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड तो अंडमान एंड निकोबार यहां कहीं पर है और लक्षद्वीप आइलैंड यहां कहीं पर है तो ऐसे करके हमारे दो ग्रुप ऑफ आइलैंड भी हो गए बे ऑफ बंगाल में है और अरेबियन सी तो बे ऑफ बंगाल क्या हुआ ये ये हमारा बंगाल है तो ये हो गई आपकी बे ऑफ बंगाल और ये हो गया आपका दिस इज़ अरेबियन सी तो लक्षद्वीप कहाँ पर है अरेबियन सी में है बे ऑफ बंगाल में है आपके यहाँ पे कहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सो दिस इज़ आवर कंट्री अब आपको पता है सदर मोस्ट पॉइंट है ना जो इंडियन यूनियन का वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट मतलब ये अंडमान एंड निकोबार में कहीं पर है सबज अंडर द सी वाटर 2004 ड्यूरिंग द सुनामी अब बात करते हैं साइज की तो ये तो हो गए थे हमारे लोकेशन इंडिया की ये लोकेशन है कोऑर्डिनेट्स है दीज आर कॉर्डिनेट्स नाउ लेटेस्ट टॉक अबाउट द साइज साइज हम देखें ना तो इंडिया का जो एरिया है वो है थ्री द एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दिस इज़ द एरिया ऑफ इंडिया इंडिया में टोटल एरिया है करीब 2.4 परसेंट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया मतलब ये पूरा वर्ल्ड का हम एरिया काउंट करें ना ये एरिया ये एरिया ये 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 तो इंडिया का जो एरिया है वो है 2.4 परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया ओके देन इस एरिया का नंबर है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर देन एरिया ऑफ द वर्ल्ड टू पॉइंट फोर परसेंट है तो ये तो एकदम क्लियर है कि इंडिया क्या है सेवन लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है जो लैंड बाउंड्री है वो है फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन को मिला के ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप तो वो हो गई सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर वॉट डज देट मीन इट मीन कि ये इंडिया है तो ये इंडिया की कोस्ट लाइन हुई दिस इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इस कोस्ट लाइन में आप अंडमान निकोबार भी मिला लो और लक्षद्वीप भी मिला लो तो ये टोटल करके अराउंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर आ रहे हैं दिस इज वॉट यहाँ पे ये लिखा है सेवन फाइव वन सिक्स पॉइंट सिक्स किलोमीटर नाउ इंडिया जो है ना ये बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन है यंग फोल्ड माउंटेन ये टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं ये नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ में 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर ये बात कर रहे हैं हिमालय का ये हिमालय की लोकेशन है हिमालय भी एकदम ऐसे नहीं है ये हिमालय जो है ना ये करीब करीब ऐसे करके यू इस टाइप की लोकेशन है हिमालय का सो so ये ऐसा बता रहे हैं कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में साउथ 22 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में इट बिगिन टू टर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडिंग टू टू सीज अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट तो ये इंडिया पूरा इंडिया की लोकेशन है सी ये इंडिया ऐसे अरेबियन सी में आ जाता है इधर आ जाता है अरेबियन सी इधर आता है बे ऑफ बेंगाल और इधर आता है आपका ये इंडियन ओशियन ना दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया ना लोकेट फिगर वन पॉइंट थ्री नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट मेनलैंड इज अबाउट थर्टी डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ तक दिस इज थर्टी डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट थर्टी डिग्री नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये दोनों करीब करीब थर्टी डिग्री हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू भी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड नाउ गुजरात टू अरुणाचल देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ टू आवर्स बिकॉज हम इस लैटिट्यूड में अगर ये जीरो डिग्री है अगर हम टूवर्ड्स ईस्ट जाते हैं टूवर्ड्स ईस्ट हम जाते हैं तो टाइम हम गेन करते हैं अगर टूवर्ड्स वेस्ट जाते हैं तो हम टाइम लूज़ करते हैं हर डिग्री पे अराउंड फोर मिनट का टाइम डिफ्रेंस आता है तो अगर आप जीरो डिग्री से सपोज़ थर्टी डिग्री में गए तो थर्टी इंटू फोर थर्टी इंटू फोर वन ट्वेंटी मिनट आपको यहाँ पे हो गया तो इंडिया का जो लोकेशन है लॉन्जीट्यूड्स हैं वो भी इस ज़ीरो डिग्री से जितना आगे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उतना ही टाइम चेंज होता है तो यहाँ पे क्या था ये अराउंड सिक्सटी एट डिग्री था ये नाइन्टी सेवन डिग्री था करीब करीब थर्टी डिग्री का डिफरेंस हो रहा था एक डिग्री में कितना आता है चार मिनट तो थर्टी इंटू फोर इज़ वन ट्वेंटी मिनट मतलब कि टू आवर्स का डिफरेंस आता है इंडिया के इस पार्ट से इंडिया के इस पार्ट तक ये यहाँ पर लिखा हुआ है नौ 30 डिग्री लैग ऑफ टू आवर नाउ बट हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लेते हैं 82 डिग्री 30 मिनट को 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को पासिंग थ्रू मिर्जापुर मिर्जापुर का है उत्तर प्रदेश में है ये स्टैंडर्ड टाइम हमने मान रखा है पूरे कंट्री का अब जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट होता है ना ये इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऐसा क्यों होता है बिकॉज जो सन होता है सन ये जो 23 23 है ना ये थी कैंसर ये था कैप्रिकॉन तो सन अपेरेंटली ऐसे मूव करता है नॉर्थ और साउथ में अगर इक्वेटर के नॉर्थ में है तो ऊपर गर्मी आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया में ठंड हो जाएगा अगर सन साउथ में चला गया तो ऊपर ठंड हो जाएगी और नीचे गर्मी हो जाएगी मतलब सन से जितनी डिस्टेंस पे है ऐसे एंगल में सन आ रही है तो वो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे विंटर्स या फिर समर्स का सीजन आता है सो दैट इज़ वॉट इट इज़ रिटर्न कि इससे लैटिट्यूड से डिफाइन होता है कि वहाँ पे डे है या नाइट है एंड ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट क्या है एज़ वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फॉर एग्जांपल अगर सन साउथ में है कैप्रिकॉन में है तो ये जो नॉर्थ पोल है ना यहाँ पे अंधेरा ही हो जाता है अगर सन यहाँ पर है कैंसर में है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे तो ये जो साउथ पोल है यहाँ पे सनराइज़ होता ही नहीं है अंधेरा रहता है यहाँ पे सो so, ये जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड होते हैं ना ये डिसाइड करते हैं ज्योग्राफी ऑफ अ लोकेशन सो अभी हमने क्या देखा इंडिया का साइज़ देखा इंडिया की लोकेशन देखी अब हम देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड नाउ ये फाइंड आउट में ट्राई टू आंसर 82 टू डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हमने ऐसा क्यों किया है ना देन वॉट इज द वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट इन कश्मीर कन्याकुमारी अगेन लोकेशन कन्याकुमारी टुवर्ड्स का है साउथ है और कश्मीर का है टुवर्ड्स नॉर्थ है सो दैट इज़ वाई डिफरेंस आता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी कन्याकुमारी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है बट नॉट सो इन कश्मीर वाई बिकॉज दोनों का जोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट है अब हम बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड का सी इंडिया का जो लैंडमार्क है ना ये सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में ईस्ट मतलब सी ये जीरो डिग्री था इसके ईस्ट में है और एशिया का अगर, अगर अपन देखें तो एशिया के वेस्ट में अंडरस्टैंड दिस थिंग दिस इज ज़ीरो डिग्री तो ये ईस्ट हो गया बट अगर अपन इसको एशिया माने तो इंडिया इसके एशिया के वेस्ट में है ओके सो यहाँ क्या लिखा है हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया ओके सी अगेन लेट मी टेल इट अगेन ये ज़ीरो डिग्री है, है ना और ये है हमारा एशिया तो एशिया का अगर अपन ग्लोब की बात करें आई एम टेलिंग इट अगेन ये ग्लोब की बात करें सो दिस इज ईस्ट एशिया में भी दिस पार्ट इज ईस्ट एंड दिस पार्ट इज वेस्ट एशिया में एशिया में दिस पार्ट इज ईस्ट एंड दिस पार्ट इज वेस्ट और इंडिया इसके बीच में है ये यहाँ पे लिखा है इंडिया का सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया नाउ इंडिया एक साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट है द ट्रांस इंडियन ओशन जो रूट है ट्रांस इंडियन ओशन रूट है जो कनेक्ट करता है कंट्रीज़ ऑफ यूरोप इन द वेस्ट यूरोप कहाँ था वेस्ट में था और कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया मतलब जापान, चाइना प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया नोट दैट जो डेकन का पेनन्सुला है ये प्रोटूट करता है इंडियन ओशन में ये जो डेकन का पेनन्सुला है ये ऐसे करके प्रोटूट किया है इंडियन ओशन में देल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया अफ्रीका यूरोप फ्राम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया फ्राम द ईस्टर्न कोस्ट तो जो इंडिया है इसका डेकन दिस इज कॉल्ड डेकन ये डेकन प्रोट्रूड हुआ है पेनसुला इन इंडियन ओशन तो हम अफ्रीका ये ये जो वेस्ट एशिया है और ये अफ्रीका है यहाँ से भी हमारे रिलेशन हो गए और ये बे ऑफ बंगॉल है तो हम ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया से भी हमें ट्रेड टर्म्स थे हमारे

इंडिया का डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप करीब 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया है सी पहले यूरोप से आप ऐसे घूम के आते थे यूं ऐसे करके इंडिया आते थे फिर इन्होंने एक स्वेज कैनाल बना लिया स्वेज कैनाल मतलब ये ऐसे आप गए रेड सी में और ये यहाँ से ऐसे आप करके मेडिटेरेनियन में आ गए सो दिस इज़ स्वेज कैनाल तो ये जो डिस्टेंस है ये अराउंड सेवन थाउजेंड किलोमीटर रिड्यूस हो गया है रिड्यूस बाय दिस मेनी किलोमीटर नाउ ये कंट्री का साइज दिया है ये है रशिया फर्स्ट कैनेडा एरिया वाइज सेकेंड यू एस थर्ड चाइना ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया का आता है तो इंडिया का नंबर क्या हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इंडिया है ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं दिस इज एट डिग्री फोर मिनट एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ और ये क्या है थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ बिकॉज इंडिया कंप्लीटली इक्वेटर के ऊपर है ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट बिकॉज हम 0 डिग्री के ईस्ट में थे और ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तो ये इंडिया के क्या हुआ है ये क्या हुआ है लॉन्जीट्यूड्स एंड दिस इज द लेटीट्यूडनल रेंज दोनों आइडली 3000 किलोमीटर अराउंड माना जाता है यहाँ पे बट अगेन इसमें एक वेरिएशन आता है विल गेट टू नो अबाउट इट लेटर और ये जो है हमारी ये है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ये कहाँ से पास हो रही है 82 डिग्री थर्टी मिनट से सो रिमेंबर दिस कोऑर्डिनेट ये एक्सटेंट है और स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का और ये इंडिया के साउथ में ये श्रीलंका है ये पाकिस्तान है यहाँ पे आपका चाइना आ जाता है ये नेपाल है ये भूटान है ये बांग्लादेश है और ये है म्यांमार ये इंडिया के नेबर्स हैं ये जो हैं ये है अंडमान एंड निकोबार और दिस इज़ लक्षद्वीप ये इंडिया की लोकेशन है वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में सी ये जो स्वेज कैनाल ये ऐसे आ गई थी ये रेड सी में आते हैं ये स्वेज के नाल है और देन मेडिटेरेनियन आ गया देन ये अरेबियन सी है ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे हम ईस्ट में ईस्ट एशिया से भी कनेक्शंस हैं देन वेस्ट एशिया से भी कनेक्शंस हैं और ये है हमारा अफ्रीका अफ्रीका में भी ये सोमालिया कोस्ट होती है एंड ये गल्फ है सो दिस इज़ हाउ इंडिया काफ़ी अच्छी जोग्राफिकल लोकेशन पे है नाउ इंडिया का जो कॉन्टेक्ट था वर्ल्ड से

एंड कॉमोडिटी सिंस एशियंट टाइम आइडियाज़ जैसे उपनिषद एंड द रामायण स्टोरी ऑफ पंचतंत्र ये इंडियन न्यूमेरिकल्स डेसिमल सिस्टम दिस को रीच मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउ स्पाइसेस मतलब मसाले इंडिया के स्पाइसेस बहुत फेमस है मुस्लिन और मर्चेंडाइज़ है टेकन फ्रॉम इंडिया टू तो डिफरेंट लोकेशन इंडिया से बाहर गए थे और इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर ग्रीक जो बनाते हैं स्कल्पचर करते हैं और आर्किटेक्चरल बिल्डिंग एंड ऑल डोम मिनारेड फ्रॉम वेस्ट एशिया इंडिया में भी देखा जाता है ये अब इंडिया के नेबर्स हमने अभी देखे थे इंडिया का काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोजिशन है साउथ एशिया में ट्वेंटी ये स्टेट्स चेंज हो गए हैं दीज आर नॉट ट्वेंटी नाइन इंस्टेड वी नाउ हैव ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरीटोरी ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं और आठ यूनियन टेरीटोरी हैं अब ये बताइए

प्रोविंसेस जो होते थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे मतलब ब्रिटिश के अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल होता था वर अपॉइंटेड बाय द वाइस रॉय और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो लोकल इंडियन वहाँ पे रूलर लोकल रूलर हेरिडिटरी रूलर रहते थे वहाँ पे जिन्होंने एक्नॉलेज किया था सोवरेनिटी इन रिटर्न ऑफ लोकल ऑटोनॉमी तो दो टाइप के स्टेट्स हुए एक हुए प्रोविंस एंड द अदर वर प्रिंसली स्टेट्स सी

पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार एंड दिस इज पाक स्ट्रीट ऐसे करके जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेटेड है बाय दिस दैन पाक स्ट्रीट एंड गल्फ ऑफ मन्नार मालदीव्स कहाँ पर है ये रहें मालदीव ये लक्षद्वीप है लक्षद्वीप के जस्ट नीचे यहाँ पर मालदीव्स हैं सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ़ द लक्षद्वीप इंडिया का स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स है नेबर से फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस नो दिस थिंग ये जो एटलस होता है ना मेक दिस योर फ्रेंड और जो भी लोकेश हम यहाँ पर देख रहे हैं उसको आप मार्क करते चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम सारी एन सी आर टीज अभी पढ़ लेंगे यू वुड फील वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस जोग्राफी मैपिंग एवरी थिंग हम यहाँ सारा कवर कर लेंगे नाउ दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू ट्राई टू आंसर दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर कहाँ से पास नहीं होती है रिमेंबर ऑल दोज स्टेट्स जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जीट्यूड लॉन्जीट्यूड कौन सा है ये लैटिट्यूड होते हैं और ये लॉन्जिट्यूड होते हैं देन क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सो दिस वॉज चैप्टर नंबर वन इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एंटायर बुक एंड वी विल बी प्रॉम्प्ट एंड स्विफ्ट विल नॉट डिले सो दिस इज़ वीडियो नंबर वन एंड चैप्टर नंबर वन जोग्राफी हमने स्टार्ट किया है इंडिया साइज एंड Location. So, thank you so much for watching this video. Take care.